दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम फरवरी के फर्स्ट वीक के झारखंड करंट अफेयर्स कवर कर रहे होंगे, जो आपके अपकमिंग झारखंड स्टेट एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो से बाहर करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। दोस्तों, काफी एफर्ट करती है हमारी टीम इस वीडियो को क्रिएट करने में, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, डैश डिफरेंटली एबल्ड पर्संस फ्रॉम झारखंड हैव बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस सबल अवार्ड व्हिच वाज अवार्डेड बाय टाटा स्टील फाउंडेशन। तो पहली इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो सबल अवार्ड दी जाती है ये टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, सबल अवार्ड उन दिव्यांग को दिया जाता है जो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो 30 जनवरी 2021 को 306 दिव्यांग जो कि 18 स्टेट्स से थे उनको ये अवार्ड दिया गया, जिनमें से 24 दिव्यांग जो है वो झारखंड स्टेट के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 24। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं 30 जनवरी 306 दिव्यांग को दी गई 18 स्टेट से, जिसमें से कि 24 दिव्यांग जो है झारखंड स्टेट के। अगला सवाल है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर टू बी ओपन सून इन डैश विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेनिफिटिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम झारखंड। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर ये क्या होता है? ये खोला जा रहा है ट्रेनिंग देने के लिए जो प्लेयर्स है, स्पोर्ट्स मैनेजर है, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, इनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए गेम में हाई परफॉर्मेंस सेंटर ओपन की जा रही है। ठीक है, और ये खोला जा रहा है अगले 6 महीने में खेलगांव में जो कि रांची में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये डिटेल्स यहाँ लिखी गई है, देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन थर्ड है, आफ्टर गेतालसोड डैश इज सेट टू बिकम सेकेंड डैम फ्रॉम झारखंड वेयर फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स विल बी इंस्टॉल्ड। कौन सा सेकेंड डैम है झारखंड में जहाँ पे फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स इंस्टॉल की जाएगी? तो दोस्तों, झारखंड के ऊर्जा विकास नगर लिमिटेड और झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ये साथ में एक प्लान कर रहे हैं कि इंस्टॉल करेंगे फ्लोटिंग सोलर पैनल्स इन मैथुन डैम। ठीक है, जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स है इस सोलर प्लांट के बारे में कि ये जो पावर प्रोड्यूस कर रही होगी वो 25-30 मेगावाट की पावर प्रोड्यूस कर रही होगी। ठीक है, और जो कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है वो है 4.5 करोड़ पर मेगावाट पावर जनरेशन। मनीष कुमार सिंह है, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट से है। इनकी कौन सी फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी का अवार्ड मिला है स्पेन फिल्म फेस्टिवल में? ठीक है, ये सवाल है। तो ये जो मूवी है वो है ग्रीन, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है मनीष कुमार सिंह। ये सारे जो डिटेल्स दी गई है क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में इनको 4th पोजीशन का अवार्ड मिला है। ठीक है, और फेलिक्स फेस्टिवल मूवी यूएस में भी इनको चूज़ किया गया है फेलिक्स फेस्टिवल अवार्ड के लिए। ठीक है, और इसके अलावा झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्हें 4 अवार्ड्स मिले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं इससे। मूवी का नाम, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन है, 4th प्लेस इनको मिला है स्पेन में, फेलिक्स फेस्टिवल अवार्ड ये यूएस में भी इनको चूज़ किया गया है, और झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्हें 4 अवार्ड्स मिले। गेस्ट हाउस फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू तानाभगत कम्युनिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन डैश बाय सीएम हेमंत सोरेन ऑन 30 जनवरी। ठीक है, एक गेस्ट हाउस का इनॉग्रेशन किया गया 30 जनवरी को तानाभगत कम्युनिटी के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया? तो इसका सही जवाब है रांची। इसके बारे में और कुछ डिटेल्स देखेंगे, तो ये जो गेस्ट हाउस है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, और ये बनाया गया है फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टे एंड अदर प्रोग्राम्स ऑफ तानाभगत कम्युनिटी। रिसेंटली डैश है पास्ड अवे, ही वॉज फेमस नेशन वाइड फॉर मेकिंग मास्क फॉर चाउडांस फॉर्म। तो इसका सही जवाब है बी विश्वनाथ साहू। अगला सवाल है, टीम रिप्रेजेंटिंग डैश डिस्ट्रिक्ट हैव इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द मेल कैटेगरी इन 12th स्टेट क्रॉस रन विच वॉज हेल्ड इन देवघर ऑन 31 जनवरी। ठीक है, तो दोस्तों 12th झारखंड स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ये हुआ है देवघर में, जिसमें मेन्स कैटेगरी में जो डिस्ट्रिक्ट विनर रहा है वो है
रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और अगर वुमेंस कैटेगरी का आपसे पूछ लिया जाए तो जो विनर डिस्ट्रिक्ट रहा है वो है धनबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आप देख सकते हैं ये 12th झारखंड स्टेट क्रॉस कंट्री रन था, ठीक है। इसमें जो जो खेला गया था देवघर में, तो मेंस कैटेगरी में जो विनर रहा है वो है रामगढ़, वुमेंस कैटेगरी में जो विनर है वो है धनबाद डिस्ट्रिक्ट। अराउंड 950 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अगला सवाल है, स्टेट फेंसिंग टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है रांची में। इसमें जो विनर रही है वो है रांची टीम, जिसमें उन्हें 5 गोल्ड, 14 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड प्लेस में आई है वो है रामगढ़, इन्होंने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। हजारीबाग ये थर्ड प्लेस में आई है और रांची टीम को फर्स्ट पोजीशन मिला है जूनियर कैटेगरी में भी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। बुक लव इज़ वेयर द हर्ट इज़ ऑथर्ड बाय, तो ये बुक जो है ये रिलीज़ हुआ था 31 जनवरी को रांची में, और इसे लिखा है डॉक्टर जनार्दन प्रसाद ने, ठीक है। और कुछ डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। इस बुक में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक आम आदमी की लाइफ की स्ट्रगल क्या होती है, कैसे एक आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके लाइफ में, और कैसे वो उससे उस कन्फ्लिक्ट से आगे बढ़कर सक्सेसफुल होता है। अगला सवाल है, कौन सी IIT ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली है टीचर्स और स्टूडेंट को फ्रॉम क्लास 1 to 8 झारखंड गवर्नमेंट स्कूल्स के, ठीक है। तो IIT गांधीनगर है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली है क्लास 1 to 8 झारखंड गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स और स्टूडेंट्स को। ये ट्रेनिंग मैथमेटिक और साइंस सब्जेक्ट्स के लिए दी जाएगी, ठीक है। और ये 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, 30-day ट्रेनिंग प्रोग्राम। डायरेक्टर ऑफ CCL - हैव बीन अवार्डेड विद प्रेस्टिजियस CHRO ऑफ द ईयर अवार्ड इन ए सेरेमनी हेल्ड इन कोलकाता ऑन 31 जनवरी, ठीक है। तो क्वेश्चन में काफ़ी सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो, और इसका जो आंसर है वो है ए, विनय रंजन। हाउ मेनी एकलव्य मॉडल स्कूल हैव बीन अप्रूव्ड टू बी ओपन इन झारखंड इन द बजट प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो 1 फरवरी को जो बजट प्रेजेंट किया गया है उसमें यह अप्रूव किया गया है कि 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे ट्राइबल एरियाज में, ठीक है, जिसमें से कि मैक्सिमम जो नंबर्स है वो है उड़ीसा में, और यहाँ पे खोले जा रहे हैं 92 एकलव्य मॉडल स्कूल्स। और वही झारखंड की बात करें तो झारखंड में 69 मॉडल स्कूल्स खोले जा रहे हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 69 मॉडल स्कूल। प्रेजेंटली अभी झारखंड में ऑलरेडी 7 एकलव्य स्कूल है ऑपरेशन में, अगले सेशन से 13 और स्टार्ट होने वाले हैं, और अभी बजट के अकॉर्डिंग 69 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक्टिंग वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड प्रोफेसर - टू बी ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन एकेडमिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोफेसर RK दे इनको अवार्ड दिया जा रहा है, प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अकॉर्डिंग टू बजट 2021-22 मिशन पोषण 2.0 विल बी स्टार्टेड इन - एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, झारखंड के कितने जिले में मिशन पोषण 2.0 स्टार्ट किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों झारखंड के 19 जिले में मिशन पोषण 2.0 स्टार्ट किया जा रहा है, और इसका एम क्या है, इस मिशन का एम है टू एंड मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये झारखंड के आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट किया गया है, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जा रहा है, टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट है। डैश हैव सेलिब्रेटेड झारखंड डे ऑन 2 फरवरी, ठीक है। झारखंड डे किन्होंने कौन से पार्टी ने सेलिब्रेट किया है 2 फरवरी को, तो दोस्तों 2 फरवरी को JMM इन्होंने 42nd झारखंड डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। कहाँ पे किया है, गांधी मैदान दुमका। तो JMM ने फर्स्ट टाइम 2 फरवरी 1978 को ये झारखंड डे सेलिब्रेट किया था, और एक शपथ ली थी कि झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे, तभी से ये हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021-22 ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर टू पास फ्रॉम - रेलवे डिवीजन, यूनियन बजट 2021-22 के अकॉर्डिंग ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर ये पास होने वाली है किस रेलवे डिवीजन से,
तो ये पास करेगी चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न से, और यहाँ पे यहाँ से सिर्फ फ्राइट ट्रेन्स के रूट पास करेंगे, मतलब जो भी ट्रेन्स होगी जो प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स डिलीवर कर रही होगी उनको ही पास किया जाएगा, इस जाने दिया जाएगा इस रेलवे डिवीज़न से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रेस वॉक विल बी ऑर्गेनाइज, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल रेस वॉक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा 13th और 14th फरवरी को, और ये 4th इंटरनेशनल रेस वॉक चैम्पियनशिप है, और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रांची में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अ 10-day झारखंड फूड फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड फूड फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया था रांची में एट होटल रेडिसन ब्लू, ठीक है। तो 10 दिन का ये फूड फेस्टिवल था झारखंड के रांची ज़िले में होटल रेडिसन ब्लू में। ये स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी को, और इसे स्टार्ट किया था झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने। सिरा सीता फेयर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन धुमड़ी ब्लॉक ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट ऑन 4 फरवरी। तो ये जो फेयर है ये हर साल फरवरी के फर्स्ट थर्सडे को ऑर्गेनाइज की जाती है ये फेयर। तो इस साल 4 फरवरी को ऑर्गेनाइज की गई थी ये, और ये किया गया था गुमला डिस्ट्रिक्ट में। अगला सवाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड फार्म लोन वेवर स्कीम के बारे में, कि ये झारखंड के किस जिले से इसकी शुरुआत की गई, और ये स्टार्ट हुआ 1 फरवरी से। तो झारखंड के जामतारा ज़िले से इसकी शुरुआत की गई, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। तो मोलेंद्र बेसरा जामतारा के जो है ये फर्स्ट फार्मर है टू अवेल दिस स्कीम। 2,000 करोड़ रुपीज़ हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द फार्म लोन वेवर स्कीम। 2,000 करोड़ रुपये अप्रूव किए गए हैं, जिसमें जिससे 9 लाख फार्मर्स जो है उनका बेनिफिट होगा। अगला सवाल है, मार्टियर डे वॉज ऑर्डर्ड ऑन 2 फरवरी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड के किस जिले में मार्टियर डे मनाया गया 2 फरवरी को। तो इसका सही जवाब है वेस्ट सिंहभूम। इसके बारे में और कुछ डिटेल्स देखते हैं। इसमें 19 स्कीम्स लॉन्च की गई, जो कि फाउंडेशन स्टेज पे टोटल 1,928 अराउंड लैक्स की ये स्कीम्स थी, और कंस्ट्रक्शन स्कीम्स भी कुछ लॉन्च किए गए हैं 1,277 लैक्स की कंस्ट्रक्शन स्कीम्स लॉन्च की गई है बाय हेमंत सोरेन, और 30,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ झारखंड। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है देवेंद्र तिवारी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। इसके पहले वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड भी रह चुके हैं, अभी जो सुखदेव सिंह हैं उनके पहले। अगला सवाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड विल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी सेटअप। झारखंड के किस जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का सेटअप होने वाला है। तो इसका सही जवाब है रांची। इसके बारे में और कुछ डिटेल देख लेते हैं। एक MOU एक बॉन्ड साइन हुआ है झारखंड गवर्नमेंट और गेल के बीच, जो 22 ईयर्स का है। इसमें ये बताया गया कि जो गेल है इनको 8 acres ऑफ लैंड देगी झारखंड गवर्नमेंट, जिसमें वो 2 प्लांट सेटअप करेंगे 150 मेट्रिक टन ईच एट इट्स ओन एक्सपेंस। अपने एक्सपेंस से वो प्लांट सेटअप करेंगे, जिसमें उन्हें फ्री सॉलिड वेस्ट मिलेगा सिटी से, और इनसे वो गैस या मैनवर बनाकर बेच सकते हैं। बुक टाइटल्ड इकोनॉमी ऑफ झारखंड इज ऑथर्ड बाय, इकोनॉमी ऑफ झारखंड ये बुक किसने लिखी है। तो इसे लिखा है डॉक्टर विद्यानंद चौधरी ने, ठीक है, और ये रिलीज हुई थी 4 फरवरी रांची में, ठीक है। जो रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है रमेश कुमार पांडे, ये भी प्रेजेंट थे एज ए चीफ गेस्ट इन दिस सेरेमनी। अकॉर्डिंग टू न्यूली प्रपोज्ड सेमिटेरियन पॉलिसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड डैश टू द पर्सन हु विल हेल्प अदर पर्सन इन रीचिंग द हॉस्पिटल आफ्टर एन एक्सीडेंट विद इन एन आवर। तो इसको विद इन एन आवर, इसे बोलते हैं गोल्डन आवर। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और गोल्डन आवर में आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, मतलब 1 घंटे के अंदर, तो झारखंड गवर्नमेंट आपको 2,000 का एज अ अवार्ड, एज अ इनकरेजमेंट प्राइज देगी, ठीक है। तो ये हुआ है सेमिटेरियन पॉलिसी के अंडर। गुड सेमिटेरियन पॉलिसी ये अप्रूव की गई कैबिनेट में 3 फरवरी को, ठीक है। सारी डिटेल्स लिख गए, 3 फरवरी को अप्रूव की गई है कैबिनेट में। गोल्डन आवर में अगर कोई किसी एक्सीडेंटल
व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसे 2,000 रुपये का अवार्ड मिलता है, अगर दो लोग मिलकर पहुंचाते हैं तो 1,000 रुपीज़ ईच उनको मिलेगा। एट प्रेजेंट झारखंड है मेनली ओनली डैश हॉस्पिटल फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटल्स है प्रॉपर वो कितने हैं झारखंड में? तो इसका जवाब है 4। कौन कौन से हॉस्पिटल्स है वो देख लेते हैं। तो पहला है रिम्स ऑन्कोलॉजी विंग, दूसरा है TMH जमशेदपुर, क्यूरी केयर कैंसर हॉस्पिटल, और है सुरक्षण, पांडे सुरक्षण कैंसर हॉस्पिटल एट कटलमोर रांची। ठीक है, तो ये 4 मेजर कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स हैं। इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया, क्योंकि अभी क्या हो गया, 2016 में झारखंड में जो कैंसर पेशेंट्स है वो 35 से बढ़कर 70,000, देख सकते हैं आप 2 टाइम्स हो गए। तो इसलिए इंपॉर्टेंस पड़ी कि इस पर फोकस किया जाए, कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स पे झारखंड के। झारखंड स्टैंड डैश नेशन वाइड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंटल डेथ्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोड एक्सीडेंटल डेथ्स सर्वे के अकॉर्डिंग जिसकी फर्स्ट रैंकिंग है रोड एक्सीडेंट में, मतलब मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिस स्टेट में, वो है यूपी। सेकेंड नंबर पे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है, और झारखंड जो है इसकी रैंकिंग है 17th। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में अराउंड 25,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं स्टेट में। क्रॉप कैफेटेरिया विल बी ओपन इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में क्रॉप कैफेटेरिया खोला जा रहा है? तो इसका सही जवाब है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इज बीइंग डन इन विच डिस्ट्रिक्ट? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये ओपन हो रही है ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। तो जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, आदित्य इंडस्ट्रियल एरिया नियर जमशेदपुर, यहाँ पे ये इनोग्रेट हो रही है, ओपन होने वाली है, ठीक है, जिसमें 82 एकर्स ऑफ लैंड का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 49 एकर्स दिए जाएंगे 51 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। बुक नेम्ड कफस में जिंदगी इज ऑथर्ड बाय, कफस में जिंदगी ये किन्होंने लिखा, ये सवाल है। तो इसका सही जवाब है कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। इसमें इन्होंने जो लॉकडाउन में जो जो आम आदमी है उनके उनके लाइफ के बारे में लिखा है कि उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है, ठीक है, और ये रिलीज हुआ था 4 फरवरी को। डैश इज नाउ बिंग रिकोगनाइज नेशन वाइड इन फील्ड ऑफ तसर एंड सिल्क प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ सिल्क सारीज एंड क्लोथ्स ऑफ मयूराक्षी ब्रांड, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दुमका। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। करेंटली दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ बिकम कंट्रीज लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन तसार सारी सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। मेन रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मयूराक्षी ब्रांड सिल्क सारीज एंड टेक्सटाइल, ठीक है। अभी 500 वुमेन जो है इनको ट्रेनिंग देने वाले हैं मयूराक्षी सिल्क प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है। इस ट्रेनिंग में इंक्लूड होगा थ्रेडिंग, वीविंग, हैंडक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें। अगला सवाल है डैश हैव बीन अपॉइंटेड एज झारखंड न्यू माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर। तो आपको बताना है कि झारखंड के नए माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर कौन बने, ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे फर्दर यूजफुल वीडियोज़ के लिए।